रीवा जिले में बाइकर्स गैंग विगत कई माह से दहशत फैलाकर पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था। लगातार विराट 24 न्यूज चैनल के द्वारा बढ़ रहे अपराधों के संबंध में चिंता व्यक्त की जा रही थी। लगातार हो रही घटनाओं से जहां पुलिस की किरकिरी हो रही थी, वहीं शहर में दहशत का माहौल छाया हुआ था। हो रही किरकिरी को देखते हुए पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने विशेष टीम गठित की थी, जिसे इस दहशतगर्दी फैलाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर निर्देश दिया गया था। विगत दिनों इस गिरोह के लोगों ने चाय सुट्टा बार में घुसकर मारपीट की थी। फरियादी विपिन गुप्ता की शिकायत पर पुलिस ने एक दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ मारपीट तोड़फोड़ का मामला दर्ज कर तलाश कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मंटू उर्फ शशांक तिवारी, शुभम परौहा, सत्यम सिंह परिहार, रोहित मिश्रा और दो बाल आबचारियों को गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने रॉड, डंडे, लाठी के साथ साथ देसी कट्टा व जिंदा कारतूस भी बरामद की है। आरोपी मंटू और शशांक तिवारी से पूछताछ में अन्य जानकारियां मिली हैं, जिसमें उसने बताया कि चाय सुट्टा बार में लकी सिंह उर्फ कुलदीप परिहार उर्फ मेंटल गैंग शामिल थी। उक्त बाइकर्स गैंग के सदस्यों में नितिन पटेल निवासी करहिया, शुभम, सत्यम सिंह परिहार, सुमित जायसवाल, आशीष साहू, प्रतीक सिंह, आदर्श त्रिपाठी, ऋतु उर्फ पुष्पराज सिंह, दीपक साहू, फैजल मुसलमान, करण, आकाश सिंह शामिल थे। आरोपियों के द्वारा मारपीट तोड़फोड़ की गई थी। बताया जाता है कि लकी सिंह परिहार गैंग द्वारा वर्चस्व दिखाने के लिए चौराहा थाने अंतर्गत करहिया में अपने साथियों के साथ गोली चलाई थी। पुलिस ने 5 आरोपियों के साथ 2 बाल अपचारियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 1 दर्जन आरोपी जो फरार हैं उनका तलाश की जा रही है। पूरे मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने क्या जानकारी दी है, आइए सुनते हैं। दिनांक 7 को सितंबर 2022 को एक बाइकर गैंग ने इंदिरा नगर में चाय सुट्टा बार के जो मालिक हैं उनके यहाँ जा करके और पूरी गैंग ने उनके साथ डंडे हथियारों से लैस होकर के तोड़फोड़ की और एक लकी उर्फ पागल को ढूंढने का प्रयास किया। वहाँ पे ये एक जवाबी गैंग की कार्रवाई थी, जो लकी ने नितिन पटेल के घर जा कर के इसी तरह की एक घटना घटित की, जिसका मुकदमा थाना चौराहा में कायम था। उसके ही जवाब में ये कार्रवाई बाइकर्स द्वारा की गई थी। ये जैसी पुलिस के संज्ञान में आई तो हमने सारे बाइकर्स को आइडेंटिफाई किया है और उन पर कार्रवाई करने के लिए एक 4 सदस्यीय जो है टीम बनाई थी, जिसमें हमारा साइबर, TI सिविल लाइन, TI सामान और विश्वविद्यालय मिलकर के ये कार्रवाई की गई। उसमें हमने जो मंटू उर्फ शिवांग तिवारी है, ये अपना एक बाइकर्सों की एक गैंग बनाया हुआ था और ये साथ में उसने जाकर के उस दिन तोड़फोड़ किया। हमने इन सब पूरे गैंग को, जो इनके मुखिया हैं, उनको पकड़ा और उनके सारे गैंग के सदस्यों को पड़ताल में उनको उजागर किया और उनकी सबकी सूची बनाई गई। उसमें से जो गंभीर अपराधी हैं इनके, शशांक तिवारी, शुभम परौहा, सत्यम सिंह परिहार, इन सब लोगों को, रोहित मिश्रा, इनको गिरफ्तार किया गया है। ये 17-18 लोगों की गैंग है, शेष लोग जो है अपने घरों से फरार हैं। हमने इनके सबके आपराधिक रिकॉर्ड निकाले हैं और जिन पे आपराधिक रिकॉर्ड ज़्यादा हैं
और जिनकी सक्रियता ज़्यादा है उन पे हमने NHA किया है। उसी क्रम में जो है ये मंटू उर्फ शिवांग तिवारी है, इसके खिलाफ हमने NHA की कार्रवाई की है और इनको हमने गंभीर धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध करके इनको गिरफ्तार किया है। के लिए जो है पुलिस न्यायालय में इनको प्रस्तुत करेगी JR के लिए। हमने इनसे जो जानकारी मिली है उनसे हमने 4 ऐसे बाइकर्स ग्रुपों का तलाश किया है, उनको सूचीबद्ध किया है और हम इसमें कड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन पर, जिसका हमने ऑपरेशन क्लीन के नाम से इसको एक नाम दिया है। और इसमें हम ऐसे व्यक्ति जो जिनका स्रोत अवैधानिक है और उससे संपत्ति जो है इकट्ठी की है उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। ये जितने भी बदमाश हैं अपराधी हैं ये इनको मजबूत बनाने के लिए आर्थिक मदद जो लोग करते हैं वो लोग जो है अवैधानिक धंधे से इनको जो है स्रोतों से जो आय होती है उससे ये इनको पोषित करते हैं। तो हमने ऐसे लोगों को भी तलाश किया है और उनके खिलाफ़ भी हम कार्रवाई करने जा रहे हैं और इनके अवैधानिक स्रोत से जो आय से जो कमाई हुई संपत्ति है, चाहे वो मकान हो, चल अचल संपत्ति हो, गाड़ियां हैं, इनको भी हम जब्त करेंगे और बुलडोजरों से गिराएंगे। बहुत से अपराध हैं इसमें, मिंटू के खिलाफ ही जो है 20-22 अपराध पुराने रहे हैं जिसमें कई मामले में वो जो है अभी भी न्यायालय में उसके चल रहे हैं। हाल में ही वो जो है छोटे छोटे बच्चों को या छोटे बदमाशों को उठा के लेके आना, पीटना और अपने आप को जो है अपराध जगत में बॉस साबित करने का प्रयास करना, ये हमने सब उनके स्रोतों से, उनके मोबाइल से, फेसबुक से, ये सब चीज़ें हमने साइबर की मदद से सब कलेक्ट की हैं और ऐसे लोगों को हमने ढूंढा है, सर्च किया है और उन फरियादियों से बात करके उनके आवेदन पर हमने ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमे कायम किए हैं। इनके पास से तलवार बरामद हुई है और कट्टे बरामद हुए हैं और हमें ये जानकारी भी है कि इनके पास रिवाल्वर भी है और उसके बारे में भी जो है पुलिस रिमांड लेकर के हम आगे जो है उनसे पड़ताल करके वो शस्त्र भी हम बरामद करेंगे। ये स्रोत का पता लगाया जाएगा, ये स्रोत वो कहाँ से इसको प्राप्त करते हैं और कौन लोग उनको उपलब्ध कराते हैं, इसी के लिए हमने पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन पर ऑपरेशन क्लीन का नाम दिया है और उस पर हम लगातार कार्रवाई करेंगे। कुल कितने लोगों की गैंग्स हैं? ये 18-20 लोगों की गैंग है, इसमें कुछ लड़के पढ़ने वाले हैं, कुछ देहात से आकर के शहरों में रहते हैं और अपराध की चकाचौंध में वो अपने आप को जो है उनका रोल मॉडल बना करके उनके साथ घूमते हैं।